गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखो हमें आज लेसन सीखना है बाथ हॉबी की। कौन सा लेसन है? बाथ हॉबी की, है ना। आपको हॉबी का अर्थ मालूम है क्या? है ना, आपको कौन सी हॉबी है क्या? हॉबी का अर्थ है शौक, है ना। आपको कौन सा शौक है क्या? किसी न किसी को कौन सा ना कौन सा शौक होता है ना। अभी आप घर में हो, देखो हम 4 महीने अभी घर में हैं, तो हमें देखो हमें जो शौक है वही करते हैं हम, है ना। अभी तो आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं, है ना। तो आप कोई मोबाइल पर खेलता है, गेम खेलता है, कोई पिक्चर देखता है ना, कोई कैरम खेलता है ना। घर में कोई ना कोई तो भी जो शौक है वही करता है ना। हमें कौन सी तो भी हॉबी होती है ना। हर एक व्यक्ति को कौन सी हॉबी होती है ना। आपके मम्मी को, आपके पापा को, आपके दादा दादी भाई बहन, आपको भी कौन सा कोई ना कोई हॉबी है। तो देखो हमें इस लेसन में अभी हमें क्या करना है, और भी हॉबी की जानकारी हमें लेनी है ना। देखो यहाँ देखो पेज नंबर 18 आप ओपन करो, हाँ, उस पर आप पेंसिल ले लो और जो कठिन शब्द आपको लग रहे हैं उसको रेखांकित करो, हाँ, और बाद में पीरियड ख़त्म होने के बाद वो शब्द, कठिन शब्द आप अपनी नोटबुक में लिख लो। देखो ये लेसन हमें ग्रामर के लिए है, हाँ, इसके क्वेश्चन आंसर हमें नहीं होंगे, है ना। हॉबी का मतलब है शौक, हॉबी का मतलब क्या है? शौक, है ना। आवड़, मराठी में क्या करते हैं? आवड़। हॉबी का मतलब शौक। हॉबी एक प्राकृतिक, देखो पेंसिल रखो वहाँ, हॉबी का मतलब है शौक। हॉबी एक प्राकृतिक गुण है। हॉबी कैसा है? ये प्राकृतिक गुण है, नैसर्गिक गुण है ना, वो प्राकृतिक गुण है, कुदरती है वो, है ना। हमें देखो हमें शौक कोई हमें पढ़ाता नहीं है, आप ये शौक करो, आप वो शौक करो, हमारे में ही होता है, वो नेचुरली होता है कि हमें वही करना अच्छा लगता है ना। किसी को नाचना अच्छा लगता है, किसी को गाना अच्छा लगना है, किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, किसी को बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, किसी को साइकिल चलाना अच्छा लगता है, किसी को गाड़ी चलाना अच्छा लगता है, किसी को देखो अभी ये लेसन में दिखाया ट्रैकिंग करना अच्छा लगता है ना, किसी को कौन से भी वस्तुओं का संग्रह करना अच्छा लगता है ना। जो देखो चीज़ें होती है कुछ, अभी देखो इसमें दिखाया है टिकट दिखाया है, किसी को पेड़ के पत्ते को संग्रह करना अच्छा लगता है, किसी को फूलों का संग्रह करना अच्छा लगता है, वैसे ही अभी और कौन सी हॉबी है इस लेसन में हम पढ़कर जानकारी लेंगे, है ना। तो हॉबी का मतलब है शौक। हॉबी एक प्राकृतिक गुण है, देखो प्राकृतिक उसके नीचे रेखांकित करो, प्राकृतिक का अर्थ है कुदरती, प्राकृतिक का अर्थ क्या है? कुदरती। सबकी अपनी अपनी हॉबी होती है ना, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी हॉबी होती है। एनी, ये एनी एक लड़की का नाम है, उसको कौन सी हॉबी है? एनी को नृत्य करना अच्छा लगता है। एनी को क्या लगता है? नृत्य करना अच्छा लगता है। जब वह टेलीविजन पर किसी कलाकार को नाचते देखती है ना, जो वो टीवी पर देखती है कोई नाच रहा है तो वो खुद भी क्या करती है? नाचने लगती है। तो जब वह टेलीविज़न पर किसी कलाकार को नाचते देखती है तो स्वयं भी नाचने लगती है। एनी के भाई डेविड को हॉबी अलग है, एनी का जो भाई है डेविड, उसकी हॉबी अलग है। जो एनी को नृत्य की हॉबी है तो डेविड को भी हॉबी नृत्य की है क्या? नहीं। उसको क्या अच्छा लगता है? उसे गिटार बजाने में आनंद आता है। उसे गिटार बजाने में क्या होता है? आनंद आता है। उसकी माँ जेनिफर को कढ़ाई का शौक है। उसकी माँ जेनिफर को क्या? कढ़ाई का शौक है ना। जो देखो कपड़े पर बुनते हैं, धागे से जो बुनते हैं, चित्र निकालते हैं, उसके बाद उसी चित्र के आधारित चित्र पर आधारित क्या करते हैं? धागे से बुनाई करते हैं, है ना। उसको क्या कहते हैं? कढ़ाई, है ना। तो एनी के मम्मी को कौन सी हॉबी है? कढ़ाई करने की हॉबी है। घर में शायद ही कोई चादर, पर्दा या मेज पोश बचा हो जिस पर उनके हाथ की कढ़ाई न हुई हो, है ना। ऐसी कौन सी भी चादर नहीं है कि उसकी कढ़ाई नहीं है उस पर, है ना। एनी के घर में चादर पर, मेज पोश पर, है ना, उसके मम्मी ने क्या की है? कढ़ाई की है ना। देखो हर व्यक्ति को कोई ना कोई शौक होता है ना, हर व्यक्ति को कोई ना कोई शौक होता है। जब आप अपने आसपास के लोगों की आदतों को ध्यान दें तो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों में तरह तरह के शौक होते हैं। जब आप आसपास देखेंगे तो आपको समझेगा कि सबको कोई ना कोई शौक होते हैं।
किसी को पतंग उड़ाने का शौक होता है ना, आपने देखा है ना, किसी को पतंग उड़ाने को अच्छा लगता है ना, किसी को क्रिकेट खेलने को अच्छा लगता है, किसी को क्रिकेट खेलने का, किसी को कुत्ते पालने का शौक होता है, किसी को बिल्ली पालने का भी शौक होता है, किसी को कबूतर पालने का भी शौक होता है। आप देखते हैं ना, हम किसी किसी को अच्छा नहीं लगता है, क्या ये कुत्ता पाल कर रखा है, लेकिन उसको क्या है, कुत्ते पालने का शौक है ना। तो वो क्या करता है, देखो कुत्ते को खाना डालता है, कुत्ते पर ध्यान देता है, कहाँ गया ढूंढ कर लाता है ना, क्यों, उसको शौक है। इसलिए जिसको शौक नहीं होता है कुत्ते को देखता भी नहीं है ना। हर हर एक व्यक्ति को अलग अलग क्या होती है, हॉबी होती है। अनेक लोग डाक टिकटों का संग्रह करते हैं, अनेक लोग क्या करते हैं, डाक टिकटों का संग्रह करते हैं ना। जो टिकट होता है, जो हमारे घर में लिफाफा आता है, उस पर देखो वो चिपकाया होता है, उसको क्या कहते हैं, डाक टिकट कहते हैं। वो उस पर देखो गांधी जी का छोटा सा चित्र होता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, डाक टिकट कहते हैं। तो उसका भी संग्रह करने का शौक होता है। डाक टिकट संग्रह की हॉबी रखने वाले लोग अपनी मनपसंद डाक टिकट को पाने के लिए अधिक धन भी खर्च करते हैं। क्या करते हैं, इतना शौक होता है किसी किसी को, वो डाक टिकट का संग्रह करने के लिए पैसे देकर भी वो डाक टिकट क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। डाक टिकट संग्रह करने वाले अधिकतर लोग पुराने और इस्तेमाल किए हुए डाक टिकटों का संग्रह करते हैं, है ना। कोई लोग क्या करते हैं, पुराने और इस्तेमाल किए हुए डाक टिकटों का संग्रह करते हैं। नए और बिना मुहर लगे टिकटों का उतना महत्व नहीं होता है जितना पुराने टिकटों को होता है ना। जो नए टिकट अभी निकल गए उनका महत्व अभी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो पुराने हैं ना उनका महत्व क्या है, ज़्यादा है। जितना डाकघर की मुहरें लगे टिकटों को होता है, डाकघर की मुहरें जितनी स्पष्ट होती है, स्पष्ट इसका अर्थ क्या है, जितनी साफ होती है ना, टिकट उतना ही कीमती माना जाता है। मुहर में दिखने वाली तारीख जितनी पुरानी होती है, डाक टिकट उतना ही कीमती होता है ना। जितना पुराना होता है, जितनी तारीख पुरानी होती है, उसको उतना क्या होता है, वो महंगा होता है। देखो अभी हमने आज इतना पाठ पढ़ा, तो उसमें कौन सी हॉबी हमने देखी, एनी को कौन सी हॉबी थी, नृत्य की हॉबी थी, है ना। उसके भाई को कौन सी हॉबी है, उसके भाई को गिटार बजाने की। उसके मम्मी को कौन सी हॉबी है ना, बुनाई कपड़े पर क्या करने की, कढ़ाई करने की, है ना। तो वैसे ही हमें क्या करना है अभी, है ना, अभी आपको होमवर्क क्या है मालूम है, आप ये लेसन का नाम लिखेंगे, उस पर शब्दार्थ लिखेंगे, बात हॉबी की, शब्दार्थ कठिन शब्द, देखो प्राकृतिक, नृत्य, टेलीविजन, कढ़ाई, डाक टिकट, संग्रह, स्पष्ट, इसमें से और भी आपको कठिन शब्द लग रहे हैं तो आपके नोटबुक में लिख लो। उसके बाद शब्दार्थ, प्राकृतिक, कुदरती, हॉबी, शौक, संग्रह, इकट्ठा, स्पष्ट, साफ, पारदर्शी, जिसके आर पार देखा सके, मिले, कारखाने, बागवानी, पेड़ पौधे लगाना, पर्यटन, सैर करना, ट्रेकिंग, पर्वतीय स्थानों का रोमांचकारी भ्रमण, है ना। ये शब्दार्थ टेक्स्ट बुक के पीछे भी दिए हैं, तो आप वो देखकर लिख सकते हो। और आपको होमवर्क क्या है ना, अपने ही नोटबुक में ये शब्दार्थ और कठिन शब्द होने के बाद नेक्स्ट पेज पर आपको अपनी मम्मी की हॉबी भी लिखनी है, वहाँ अपने पापा की हॉबी भी लिखनी है, अपने घर में दादा दादी होंगे तो उनकी भी हॉबी लिखनी है, और अपने भाई बहन होंगे उनकी भी हॉबी, और आप अपने खुद की भी हॉबी लिखना है ना, शौक लिखना है। आपको ये होमवर्क है। हाँ, बाय स्टूडेंट्स।